हिमाचल प्रदेश संस्कृत अकादमी द्वारा सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में 5 दिवसीय ज्योतिष एवं कर्मकांड कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन का मुख्य उद्देश्य इस पेशे से जुड़े युवा वर्ग को विधि विधान से मंत्र उच्चारण व पूजन करना सिखाना है, ताकि सही मायने में पूजन करवाने वाले व्यक्ति को लाभ मिल सके। संस्कृत अकादमी द्वारा आयोजित की जा रही 5 दिवसीय ज्योतिष एवं कर्मकांड कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य पेशे से जुड़े युवाओं को ज्योतिष और कर्मकांड के बारे में विस्तृत जानकारी देना है। कार्यशाला के प्रभारी शास्त्री लायकराम भारद्वाज ने कहा कि इस कार्यशाला के दौरान अलग अलग वक्ताओं द्वारा ज्योतिष और कर्मकांड विषय पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आयोजन का मुख्य उद्देश्य इस पेशे से जुड़ी युवा पीढ़ी विधि विधान से मंत्र उच्चारण और पूजन करना सीखें, ताकि सही मायने में पूजन करवाने वाले व्यक्ति को लाभ मिल सके। 5 दिन तक जो है यहाँ पर 11 प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा ज्योतिष और कर्मकांड से संबंधित, क्योंकि ये वेद के ही अंग है और वेदों में क्या वैज्ञानिकता है, इस विषय में 11 प्रशिक्षकों को 5 दिन तक बताएंगे। पंचांग क्यों कहा गया है, पंचांग के कितने अंग होते हैं और पंचांग में नक्षत्र के विषय में और पंचांग में जो भी तिथि वार नक्षत्र योग करण इत्यादि सभी के विषय में उनकी क्या वैज्ञानिकता है, क्यों प्रमाणिक है, महीना के नाम किस पर आधारित है, ये सब जो है इन बच्चों को बताया जाएगा, ताकि पौरोहित्य कर्म में वो अपने सुचारू रूप से अपने पुरोहितों का कार्य को कर सके। कार्यशाला में पहुंचे युवाओं ने बताया कि निश्चित तौर पर उनके लिए ये कार्यशाला काफी महत्वपूर्ण है और उन्हें ज्योतिष व कर्मकांड के विद्वानों से विश्व से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेगी। उन्होंने कार्यशाला के आयोजन के लिए संस्कृत भाषा अकादमी का आभार व्यक्त किया। यहाँ पर हमारी जैसे ही संस्कृत अकादमी के थ्रू 5 दिन का कार्यशाला यहाँ पर हो रही है, जिसमें कि हमें ज्योतिष और कर्मकांड के विषय में अवगत करवाएंगे। तो ये एक हमारे जैसे न्यू जनरेशन के लिए काफ़ी अच्छी बात है कि किस प्रकार से वैदिक उच्चारण और किस प्रकार से ज्योतिष कर्मकांड सब कुछ सीखने को मिलेगा, और ये 5 दिन का यहाँ पर शिविर रहेगा। इस 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में 1 दर्जन युवा हिस्सा ले रहे हैं। सिटी चैनल के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।